हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, 361 शिक्षकों के पदों पर जो है नियुक्ति पत्र उनको जारी कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में बैकलॉग की भर्तियां चल रही थी, जहां पर 361 पदों को भरा जाना था और उनकी भर्ती की जो प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है। शिक्षा निदेशक आर के उनियाल के मुताबिक अधिकतर जिलों में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जा चुकी है। शिक्षा निदेशक ने कहा कि कुछ जिलों में काउंसलिंग में उम्मीदवार नहीं पहुंचे, इसीलिए उनकी जो है वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसका अपडेट हम आप तक रेगुलर पहुंचा रहे हैं। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो आपने हम देखा होगा जहाँ जहाँ पर वेटिंग लिस्ट आ रही है, जहाँ जहाँ पर काउंसलिंग की डेट आ रही है, हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अधिकतर जिलों में दूसरी और तीसरी काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन हरिद्वार जिले में अब तक दूसरी काउंसलिंग नहीं हुई है, इससे उम्मीदवारों में नाराजगी है। तो मैं आपको बताता दूं, मैक्सिमम जो जिले थे वहां पर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में ही जो है सीट हो गई थी फुल, लेकिन हरिद्वार में ही ऐसा है जहाँ पर अभी तक केवल फर्स्ट राउंड की ही काउंसलिंग हुई है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग नहीं हुई है, इसलिए वहाँ पर जो है थोड़ा सा रोष बाकी है। लेकिन हरिद्वार ज़िले में 27 सितंबर को पहली काउंसलिंग हुई थी। काउंसलिंग के दौरान कई चयनित उम्मीदवार उपस्थित नहीं हुए थे, जबकि विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया था कि काउंसलिंग में उपस्थित न होने वाले उम्मीदवारों को एक बार फिर से विचार किया जाएगा और फिर से रिक्त काउंसलिंग की जाएगी। लेकिन हरिद्वार जिले की दूसरी काउंसलिंग के लिए अभी तक जो है जो उम्मीदवार फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अवेलेबल नहीं हो पाए थे, उनको अभी तक जो है नहीं हुई है लिस्ट जारी, रिकाउंसलिंग की मतलब वेटिंग की लिस्ट जारी नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट से वहां पर जो है रिकाउंसलिंग हो चुकी है, नियुक्ति पत्र भी जारी हो चुके हैं। तो फिलहाल बैकलॉग की भर्ती जो है 2018 की कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि अब 2020 की जो वैकेंसी वो सिरे से आए और 2020 की जो वैकेंसी है उसको भी जितने भी लोगों के फॉर्म में कोई गलतियाँ हुई थी उसको लेकर अभी फिलहाल फाइनली जो है उत्तराखंड जो शिक्षा विभाग है अपना डेटाबेस मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी जो है देरी देखने को मिल सकती है। उम्मीद ही कर सकता हूँ कि इस साल के अंत तक जो है आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। जिस स्पीड से शिक्षा विभाग में काम चल रहा है, तो फिलहाल बैकलॉग की भर्ती तो अंतिम दौर में है। अंतिम दौर में क्या 90% इसमें लगभग सीटें हो चुकी हैं फुल, सबको नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं। लेकिन मेन जो PRT 2020 की भर्ती थी उसको अभी तक पूरा होने में फिलहाल आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ सकता है। और बाकी 451 पदों पर जो रिक्त पद का नोटिफिकेशन है वो एक दो दिन के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो जैसे भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी, टेलीग्राम से भी, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।